हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? आप सभी घर पर बहुत अच्छे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? कल हमने पढ़ेंगे शब्द बनाना सीखेंगे। अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया? शब्द बनाना सिखाया। आज हम क्या करने वाले? चार अक्षर वाले शब्द सीखेंगे। ओके, रीड करिए इसको। अ ज ग र, अजगर। अ ज ग र, अजगर। क्या है ये? अजगर। अजगर कैसा होता है? स्नेक देखा है आपने, वैसा अजगर होता है। क्या होता है? अजगर। तो कितना अक्षर वाला शब्द है? चार अक्षर वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें चार अक्षर है। नेक्स्ट, स र क स। नेक्स्ट, क स र त। ओके, इसको रीड करिए। थ र म स, थ र म स। थर्मस इसको कहते हैं, वॉटर। ओके, स र ब त। सरबत क्या होता है? जूस। सरबत क्या होता है? जूस आप पीते हो। क्या है ये? सरबत। ओके, प च प न, प च प न। ये क्या है? ब च प न, बचपन। न ट ख ट, नट खट। प न घ ट, पनखट। उ प व न, उपवन। तो देखिए बेटा, ये आप कैसे याद करोगे? चार अक्षर वाले शब्द है, थोड़ा सा देखी कर लें तो आप इसे एक्शन से याद कर सकते हैं। अजगर, सरकस, कसरत, थरमस। ओके, सरबत जूस पीते हो। सरबत, बचपन 55, बचपन जो छोटा बेबी होता है उसको हम क्या कहते हैं? बचपन। ओके, नटखट आप मस्ती करते हो, जो बच्चे मस्ती करते हैं उसको क्या कहते हैं? नटखट बच्चा। पनघट जो कुएं से बेल से पानी लेके आती है औरतें, वो पनघट। उपवन, उपवन मीन्स गार्डन। ओके, फिर से एक्शन करके आप जल्दी से याद हो जाएगा। आप इसे रीड करिए, एक्शन के साथ बोलिए, आपको जल्दी से याद होगा। ओके, स्पीक विद मी। अजगर, सरकस, कसरत, थरमस, सरबत, पचपन, बचपन, नटखट, पनघट। ओके, उपवन। तो ये क्या है? चार अक्षर वाले शब्द। आप बार बार देखेंगे, इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से शब्द लर्न हो जाएंगे। स्पीक विद मी। अजगर,